वेलकम टू बॉलीवुड न्यूज़। दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने एक टीवी शो के दौरान महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की शुक्रवार को कड़ी आलोचनाएं की और कहा कि उन्होंने क्रिकेट फ्रेटर्निटी को दांव पे लगा दिया। इन दोनों ने एक टीवी शो में हिस्सा लिया था जिसमें विशेषकर पांड्या के कमेंट्स की कई आलोचना की जा रही है और इससे टीम संस्कृति को लेकर चिंता जताते जा रही है। कैप्टन विराट कोहली ने भी उनकी टिप्पणियों और कमेंट्स को अनुचित कर दिया, जिसके कुछ घंटे बाद ही पांड्या और राहुल को भारतीय क्रिकेट प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया। हरभजन ने इंडिया टुडे से कहा, हम यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ इस तरह की बातें नहीं करते और वे सार्वजनिक तौर पर टेलीविजन पर ऐसी बातें कर रहे थे। अब लोग सोच सकते हैं कि क्या हरभजन सिंह ऐसे ही थे, क्या अनिल कुंबले ऐसे ही थे और क्या सचिन तेंदुलकर। ऐसा माना जाता है कि पांड्या ने शो के दौरान कई महिलाओं के साथ संबंध होने का दावा किया और भी बताया कि इस मामले में अपने परिजनों के साथ भी खुलकर बात किया करते थे। राहुल अपने संबंधों के बारे में जवाब देने में हालांकि अधिक संयमित। जब शो के मेज़बान करण जौहर ने पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा साथियों के कमरे में किया, तो पांड्या और राहुल दोनों ने हाँ में जवाब दिया। हरभजन ने कहा, पांड्या कब से टीम में है जो वो टीम संस्कृति को लेकर इस तरह बात कर सकता है। इस ऑफ स्पिनर ने जब उनके कमेंट्स के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए था। BCCI ने सही कदम लिया है और आगे बढ़ने का तरीका भी यही है। इन लोगों से ऐसी ही उम्मीद थी और मुझे इस पर हैरानी नहीं हुई।